दोस्तों हमारा सीखने का तरीका, लर्निंग का तरीका एक जैसा ही रहता है, चाहे वो आप समझिए कुकिंग हो, आप कुकिंग सीख रहे हो, या आप एक कार ड्राइव करना सीख रहे हो, साइकिलिंग सीख रहे हो, चाहे आप प्लेइंग कोई भी गेम जैसे कि टेनिस खेलना सीख रहे हो या फुटबॉल खेलना सीख रहे हो, कोई भी चीज़ है जो आप सीख रहे हैं उसकी प्रक्रिया ऑलमोस्ट सेम ही होती है। चाहे आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हों या आप अपने माइंड को पॉजिटिव कर रहे हों, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग सीख रहे हों, कोई भी काम होगा आप एक दिन में नहीं सीख सकते, आपको वो धीरे धीरे ही लर्न करना होगा। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, जब पहली बार वो चलता है तो गिर जाता है और फिर उठता है, फिर चलता है, फिर उठता है, फिर चलता है और धीरे 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 सीख जाता है। ऐसे ही आपने कुकिंग करना सीखा होगा, ड्राइविंग अ कार करना सीखा होगा, साइकिलिंग सीखी होगी, या आपने टेनिस खेलना या फुटबॉल खेलना वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम आपने जो ज़िंदगी में सीखे वो इसी तरीके से सीखे थे, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके लर्निंग का तरीका यही है। जब आप एक माइंड को पॉजिटिव कर रहे हैं, जब आप कहते हो कि सर मेरा नेगेटिविटी में भरा हुआ है माइंड, और हम बताते हैं कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए, उसके लिए ये तरीके हैं, तो उसमें भी इतना ही टाइम लगेगा, इसी तरह का प्रोसेस लगेगा। ये नहीं है कि आप एक दिन बैठेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेंगे और आप पॉजिटिव माइंडसेट के धनी हो जाएंगे, नहीं, उसमें भी यही प्रोसेस लगेगा। जैसे आपने फुटबॉल खेलना या साइकिलिंग करना सीखा धीरे धीरे धीरे, उसी तरीके से आपको ये भी सीखना होगा। माइंड को तरीका लर्निंग का वही है और आपको वही तरीका लेकर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि मान लीजिए आपने एक बीज लिया, एक सीड लिया, और उससे लेकर आप एक लैंड में जाकर आपने वो बो दिया, एक बीज आपने जमीन में बो दिया, मिट्टी में बो दिया, उसको पानी वानी डाला, सनलाइट दी उसे, और फिर धीरे धीरे वो निकला बाहर, अंकुरित हुआ, और फिर धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है, एक पेड़ बन जाता है। चाहे वो कोई भी बीज हो, आप किसी चीज़ का भी ले लीजिए, अनार का, अमरूद का, आम का, टमाटर का, किसी का भी, वो एक बीज आपको कई सौ फ्रूट्स दे देता है। आप जब उस बीज को देखते होंगे तो आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते होंगे कि किस चीज का बीज है, लेकिन जब वो बड़ा बनकर निकलता है, एक पेड़ बनकर निकलता है, तो आपको उस टाइप के ढेर सारे फ्रूट्स दे देता है। इसी तरीके से अगर आप आज अपने इस माइंड में, इस सॉइल रूपी माइंड में एक बीज बो देते हैं एक अच्छे पॉजिटिव थॉट का, और उसे जो हम पानी और धूप दे रहे थे उसी तरीके से पॉजिटिव चीज़ें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ उस थॉट को बड़ा होने दें, तो वो एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट को ग्रो कर देगा। दोस्तों ऐसा तो नहीं होता कि पेड़, जब आपने ये बीज बोया था तो एक दम से वो पेड़ बन गया, छोटा सा एक पहले निकला होगा जमीन के बाहर, आपको लगा ओ यस इट्स कमिंग, हो रहा है बड़ा, आपने पानी वानी दिया, खाद डाला, और फिर वो और बड़ा, यस बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। आप ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पहले दिन में अरे आम क्यों नहीं दे रहा है, ये आम क्यों नहीं दे रहा, ये पेड़ गलत है, ये नहीं, इसके बस की बात नहीं है, ये आम नहीं दे सकता, ऐसे तो नहीं लग गए थे आप। तो फिर जब अगर पेड़ में नहीं लगते, तो जब अपने माइंड में जो वो पॉजिटिव थॉट्स डाल रहे हो, पहले दिन से ही क्यों एक्सपेक्ट करने लगते हो, नहीं सर मेरा माइंड तो वैसा ही है, पुराने जैसा, नहीं हो रहा है चेंज। वक्त लगेगा, उसमें भी टाइम लगेगा, जैसे उस पेड़ को ग्रो करने में आपने कहा था यस इट्स कमिंग, अपने एक छोटे से क्लू मिलते ही कि यस कुछ तो चेंज आ रहा है, छोटा सा चेंज आया हो चाहे, वो उसे और कॉन्फिडेंस दो कि यस हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, यस, और फिर और बड़ा हुआ, थोड़ा और चेंज आया, यस
इट्स ग्रोइंग, और उसे पॉजिटिव पुश देते देते उस पेड़ को बड़ा करो, उस पॉजिटिव माइंडसेट को और बड़ा करो। उसमें वक्त लगता है, लेकिन एक दिन जब वो पेड़ बन गया तो आपको ढेर सारे फल देगा। तो यही है कहानी पॉजिटिव माइंडसेट की। सो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सर ये नहीं होता, बेटा वक्त लगता है, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम चलना पड़ता है आपको, फिर दौड़ना पड़ता है, और तब जाकर कुछ पॉजिटिव मिलता है। थैंक यू।